देखा जैसे दरवाजा खोला तो एकदम धुआं धुआं था, तेज था और आग लग रही थी मकान में। अब उस टाइम एकदम होश उड़ गए, बदबू भी आ रही थी, लाइटें बंद थी। मैं दौड़ करके नीचे की तरफ गया अंधेरे में, भाई कुछ दरवाजे करा मैं खोलूँ मैं, लेकिन वो क्या, मैं नीचे मेरा खुद का दम घुटने लग गया, आग लग रही थी। मैं वापस दौड़ करके ऊपर आया, मैं ऊपर आया और ऊपर आकर के मैं मदर के बच्चों के रूम की तरफ दौड़ा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी, अंदर जो है धुआं और सांस भर रही थी। उसके बाद जो है फिर मैं दौड़ के वापस अपने रूम से बालकनी की तरफ आया और मैंने अड़ोसी पड़ोसी को आवाज़ें लगाई। अड़ोसी पड़ोसी उठ करके आए, उन्होंने जो है मैंने बोला खिड़कियाँ वड़कियाँ तोड़ना शुरू करो, खिड़कियाँ तोड़ी, आग देखी उन्होंने, नली वली लगा के बुझाना शुरू किया। मैंने मोबाइल लेकर फटाफट फ़ोन लगाए पुलिस में, फायर ब्रिगेड वगैरह में, लेकिन लग नहीं रहे थे, लग रहे थे तो कोई उठा नहीं रहे थे। और कुछ टाइम के बाद पड़ोसी ने सबने फ़ोन लगाना शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड वगैरह सब कुछ आ गई, लेकिन फिर मदर क्या चल नहीं सकती, तो मदर को क्या पड़ोसियों ने उठा करके पड़ोस के मकान में शिफ्ट किया। और मेरे को जो है अपना होश रहा नहीं, और बच्चियाँ कमरों में थी, मकान पूरा बंद था, गेस्ट सिस्टर जियाजी वगैरह भी आए थे, और कुल मिलाकर के आधे घंटे तक ये आग लगती रही मकान के अंदर। और मैं फिर क्या ऊपर से कूदा, मैं पड़ोसी ने कहा भाई ऊपर से कूदो, कूदो, फर्स्ट फ्लोर से मैं कूदा मैं, तो मेरी जो है एड़ी टूट गई और हाथ टूट गया है, और अड़ोसी पड़ोसी ने आगे संभाल लिया।